आज मैं कंपैरिजन करने लगा हूँ जिम बीम और रेड वाइन के बीच। सबसे पहले तो अल्कोहलिक कंटेंट की हम बात कर लेते हैं कि जो रेड वाइन होती है इसमें अल्कोहल अप टू 11.4% रहता है या 20% तक जा सकता है। एज कंपैरिजन विद विस्की, तो ये मेरे पास जिम बीम पड़ी है ब्लैक एक्स्ट्रा एज बर्बन विस्की, तो इसमें आप अल्कोहलिक कंटेंट अगर देखोगे तो ये 43% के आसपास है जो अल्कोहलिक कंटेंट है। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, आप देख सकते हैं इसमें अल्कोहलिक कंटेंट 43 के आसपास है। तो जो वो दूसरे साइड पे मेरे पास पड़ी है दैट इज़ रेड वाइन, और ये मेरे पास पड़ी है जिम बीम जो कि ब्लैक बर्बन विस्की है। अब दोनों की रेट्स की बात कर लें तो जो अच्छी वाइन है जैसे गोल्ड होम रेड वाइन है तो ये मुझे 1000 रुपीज़ के आसपास पड़ी थी, और जिम बीम मुझे कॉस्ट हुई थी 2200 के आसपास। तो ये बर्बन विस्की है, और थोड़ा सा मैं ये बोलूँगा कि जिम बीम अगर आप पीना चाहते हैं तो थोड़ा सा मौसम जुलाई अगस्त या फिर थोड़ी सी जो ठंड हो उस दौरान आप जिम बीम पे, क्योंकि जिम बीम थोड़ी सी हार्ड विस्की है और अगर आप बहुत ही ज़्यादा गर्मी में पियोगे तो ये उतनी सूटेबल नहीं बैठेगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कलर भी देख सकते हैं आप, तो काफ़ी डार्क कलर है। बाकी मैं अगर इसको दिखाऊं मतलब इसमें आप देखोगे क्वालिटी वाइज भी तो एक्स्ट्रा एज विस्की है ये जिम बीम, एंड इट इज़ डिस्टिल्ड एंड बॉटल्ड बाय जेम्स बीम। तो ये बॉटल्ड भी बाहर की है, यूएसए की विस्की है और पैक्ड भी यूएसए से ही होकर आई है। ब्लैक बर्बन विस्की है, अल्कोहलिक कंटेंट 43% है आप देख सकते हैं, और मतलब काफ़ी अच्छी तरह डिस्टिल्ड है। रेड वाइन का तो ये देखो, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप अंगूरी खा रहे हो, वो भी ब्लैक ग्रेप्स। और सबसे बड़ी बात है कि जो वाइन है वो तो नीट ही पी जाती है। तो देखिए आप, बिल्कुल कलर देखिए कितना बढ़िया कलर है इसका, और दिल खुश हो गया कलर देख के। टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है इसका, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने डिफ्रेंशिएट इसीलिए किया कि कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि हम वाइन पिएँ या विस्की पिएँ, तो आप दोनों के लिए जा सकते हैं। बस अल्कोहलिक कंटेंट, अगर बियर नहीं पीनी तो आप बियर की जगह वाइन पी सकते हैं। अल्कोहल कंटेंट 20% तक होता है, इसमें तो आई थिंक 15% है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो दोनों की वेरिएशन है, जिम भी मेरे को 2200 की पड़ी थी, और गोल्ड ये जो होम रेड वाइन है दिस इज कॉस्टिंग 1000 रुपीज़। थैंक यू मेरा ब्लॉग देखने के लिए, हैव अ गुड डे।